leads to question number 14 of exercise 11, that is area of parallelogram and triangles. Question number 14 is in the adjoining figure. Friends, figure दे रखी है, ABC एक triangle दे रखा है, जिसमें DE parallel है ABC, BC के, sorry, ABC और DE, right? और इसको join किया हुआ है B को E से और C को D से, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको ओ गया रखा है, राइट फ्रेंड्स. अब वो कह रहा है DE इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल है BC के. प्रूव दैट एरिया ऑफ ACD, ACD ट्रायंगल का एरिया ABE के इक्वल है, और OCE, OCE का एरिया OBD के इक्वल है, राइट फ्रेंड्स. ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या दे रखा है हमें, एबीसीडी एक एबीसी एक ट्रायंगल दे रखा है, इज अ ट्रायंगल इन विच डीई क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के. और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE के. फ्रेंड्स ACD ABE के ट्रायंगल के इक्वल है, ये प्रूव करना है. और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD के. ये वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, ये प्रूफ करना है. तो कैसे करेंगे प्रूफ, फ्रेंड्स हमें पता है DE पैरेलल है BC के, DE इज पैरेलल टू BC, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, BED is equal, BED का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के, राइट फ्रेंड्स. इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, क्यों, बिकॉज बोथ द ट्रायंगल्स, बोथ ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस DE एंड between the two parallel lines, क्योंकि क्यों सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, और बेस दोनों का क्या है, DE सेम बेस है, राइट फ्रेंड्स. अब मैं इसके अंदर ADE ज्वाइन कर दूं, ऑन एडिंग, ये मैंने ज्वाइन क्यों किया, मुझे पता है हमें इस पूरे ट्रायंगल को इक्वल बनाना है. अगर मैं इसकी में ये ज्वाइन कर दूंगी तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए ऑन एडिंग ट्रायंगल ADE ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, इस में हम अगर ADE ट्रायंगल दोनों साइड ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऐड करना है, राइट फ्रेंड्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. अब देखिए BED प्लस ADE ये क्या बन गया, पूरा बन गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is equals to area of triangle CDE और ADE पूरा बन गया, तो ACD, right friends, यही हमें first part में proved करना था, right. अब इस पूरे triangle में अगर मैं ये minus कर दूँ, हमें ये equal prove करना है, तो अगर मैं इस पूरे triangle में ये minus कर दूँ part, तो ये बच जाएगा, तो ये हमने मानी फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऑन एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट. अब मैं लिख रही हूं ऑन सब्ट्रैक्टिंग,
इस वाले ट्राइंगल्स में से सब्ट्रैक्ट करनी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी ऑन बोथ साइड, EOD on both side in equation first. तो क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल BED में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल EOD माइनस करना है. इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE में से एरिया ऑफ ट्राइंगल EOD माइनस करना है. तो देखिए क्या बचा, BED में से EOD माइनस कर दिया तो ये क्या बचा, OBD, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD बचा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब CDE में से EOD माइनस किया तो यही बच गया OCE. यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.